फिर से स्वागत है। तो साथियों, ये वीडियो है चौथे मेरिट लिस्ट के लिए। जो छात्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि उन्हें क्या करना है एडमिशन को लेके, बहुत सारे छात्रों के कमेंट भी आ रहे हैं। तो आप सभी को बता दें साथियों कि आप सभी को क्या करना है, तभी आपका नाम फोर्थ मेरिट लिस्ट में आएगा। कैसे आप एडमिशन ले पाएंगे, ये आखिरी वीडियो होगी शायद। इसके बाद मैं इस पे टॉपिक पे वीडियो जल्दी नहीं बनाऊंगा क्योंकि नई अपडेट अब रह नहीं गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से बात कर सकते हैं। यह चैनल एक आईटीआई के द्वारा चलाया जाता है, इसमें जो भी जानकारी आपको दी जाएगी सारी जानकारी सही रूप से दी जाएगी। तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा साथियों, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन फिर आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर पहला एक चौथे मेरिट लिस्ट के लिए रैंक कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है साथियों। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी डिटेल आएगी आपको इसे फिल करके आपको अपना रैंक कार्ड आपका आएगा, उस रैंक कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है। रैंक कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपका रैंक कार्ड और आपने जो फॉर्म को भर रखा है, कौन सा फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है, उन दोनों फॉर्म का जो है प्रिंट आउट लेना है। और आपको क्या करना है, आपको जिस आईटीआई में एडमिशन लेना है उस आईटीआई में जाना है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, वहाँ पे जमा करना है। जब वहाँ पे जमा करेंगे तभी आपका नाम जो है आ जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों को पता है, पता नहीं कि किस आईटीआई में उन्हें जमा करना है। तो आप सभी को बता दें कि आप जिस सिंगल आईटीआई के लिए, जैसे आपने किसी एक सिंगल आईटीआई के लिए अप्लाई किए तो आप उस आईटीआई में ले जाके जमा कर सकते हैं। अगर आपने एक से अधिक आईटीआई में नाम के लिए कर रखा है तो आप एक से अधिक आईटीआई में समय पर्सनल जाके दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, कि आप जो है जो आपकी सबसे बड़ी आईटीआई है नोडल, मतलब जिसे हम नोडल आईटीआई कहते हैं, आपके ज़िले में वो सबसे बड़ी गवर्नमेंट आईटीआई होती है, तो किसी भी आईटीआई से जाके पूछोगे तो नोडल आईटीआई कौन है वो आपको बता देंगे, या तो आप केवल नोडल आईटीआई में ले जाके उस फॉर्म को दे देंगे और अपने रैंक कार्ड को, तो आपका जो है नाम फोर्थ मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ये प्रोसेस है साथियों, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि वही छात्र ये सारे काम करें जिनका परसेंटेज मतलब सही है, वो फोर्थ मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें। जिनका साथियों अभी भी मैं बता रहा हूँ जिनका परसेंटेज 70 से नीचे है, उन्हें क्या करना है, उन्हें डायरेक्ट जाना है कॉलेज में जिसमें आपको एडमिशन लेना, उसमें डायरेक्ट बात करनी है साथियों। देखिए क्या है कि अब थर्ड मेरिट लिस्ट तक जो बनती थी वो सरकार द्वारा बनाई जाती थी, तो उसमें आपके चांसेज होते थे, आप ऑनलाइन चेक कर सकते थे और आपका नाम हो जाता था। लेकिन साथियों इस बार जो मेरिट लिस्ट है वो कॉलेज के हाथ में है, ये एक सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसमें थोड़ा क्या है कि अब सभी कॉलेज, मैंने देख रखा है बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, सर इस आईटीआई में इतने पैसे ले रहे हैं, इस आईटीआई में इतने पैसे ले रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आप सभी को आईटीआई में एडमिशन लेना ही है तो जिस भी गवर्नमेंट आईटीआई में आप जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर कुछ पैसे मांगते हैं थोड़े बहुत, तो आपको थोड़े बहुत पैसे दे के आपको एडमिशन ले लेना है, क्योंकि इस मेरिट लिस्ट जो है कॉलेज के द्वारा बनाई जाएगी। तो कॉलेज में क्या करते हैं, उसमें अब हो गया है कि भ्रष्टाचार, उसमें भी कुछ पैसे ले रहे हैं और जिसमें आपको आईटीआई में एडमिशन दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको थोड़े बहुत पैसे अगर मांग रहे हैं तो देखिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे साथियों, आप आईटीआई की जो ट्रेड लेना वो अच्छी ट्रेड लेना, अच्छी ट्रेड लोगे तो आपका फ्यूचर होगा, अगर आप अच्छी ट्रेड नहीं लेते तो आपका आपको फिर बर्बाद ही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहे 23 तारीख तक लास्ट एडमिशन का डेट है, 23 तारीख के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। तो 23 तारीख से पहले सारे काम आपको करने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको रैंक कार्ड है जो पहले से छात्रों ने ऑनलाइन किया है, और ये बाद में जो छात्रों ने ऑनलाइन किया है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना जो है फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसे ले जाके जमा करना है जिस आईटीआई में आप एडमिशन कराना चाहते हैं। तो साथियों अगर आप प्राइवेट में इच्छुक हैं तो प्राइवेट में आप हमारे आईटीआई से कर सकते हैं, और भी जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, और भी जैसे नई अपडेट कोई भी आएगी तो आपको हम बताएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना साथियों, इसके बाद कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी। आपको अगर एडमिशन लेना है तो कॉलेज में जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में, वहाँ पर जो है जाने के बाद आप डायरेक्ट बात करिए, वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे छात्र हैं कि जो कमेंट करते हैं सर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा, उसके लिए तो आप उसके लिए भी जाकर डायरेक्ट बात करना साथियों। ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं तो भी आपको गवर्नमेंट में जगह मिल जाएगी अगर वहाँ पे सीटें बची होगी, पैसे बेशक ले रहे हैं लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा। आई होप आपको जानकारी समझ में आ रही होगी साथियों, धन्यवाद।